मॉडिफिकेशन का क्रेज इंडिया में धीरे धीरे करके बढ़ने लगा है। कई लोग अपनी कारों को विशिष्ट प्रकार से मॉडिफाई करते हैं। कई बार गाड़ियों को फास्टेस्ट कार बनाया जाता है तो कई बार गाड़ियों की शक्ल ही बदली जाती है। इन मॉडिफिकेशंस में बॉडी किट, पार्ट्स, न्यू एग्जिस्ट सिस्टम, आफ्टर मार्केट व्हील्स, इंजिन और सस्पेंशन में बदलाव किए जाते हैं। पर मॉडिफिकेशन सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं है। आजकल गाड़ी को पूरी तरह से बदला जाता है, तो इस वीडियो में हम उन मॉडिफिकेशंस को देखेंगे जिन गाड़ियों को कन्वर्टेबल बनाने की कोशिश की गई है। असल में ये मॉडिफिकेशंस एक नेक्स्ट लेवल के मॉडिफिकेशंस है, तो चलिए देखते हैं। डीसी इलेरॉन एक स्पेशल लिमिटेड एडिशन कार थी जिसे डीसी डिजाइन ने 2014 में लॉन्च किया था। तब उस वक्त गाड़ी की प्राइसेस लगभग 35 लाख थी। आप यकीन नहीं करोगे कि अभी जो आप गाड़ी देख रहे हैं वो असल में एक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार है। ये गाड़ी बहुत ही यूनिक दिखाई देती है। ऐसी गाड़ियां हमारे इंडियन रोड्स पर कम ही नजर आती है। गाड़ी फॉर्च्यूनर के ओल्ड जनरेशन पर आधारित है। इस टू डोर कार को ड्यूअल टोन स्कीम दी गई है जिसके निचले वाले हिस्से में ब्लैक बॉडी मिलती है और ऊपरी वाले हिस्से में चमकदार नारंगी रंग मिलता है। कार में स्पोर्टी बाय जेनॉन हेडलैम्प्स विद डीआरएल्स, लार्ज क्रोम ग्रिल्स, 21 इंचेस व्हील्स मिलते हैं। गाड़ी जितनी बाहर से अजीब दिखती है उतने अंदर से फ्यूचरिस्टिक है। गाड़ी में हाई एंड कंफर्ट मिलेगा, साथ ही कंफर्ट और कन्वीनियंस के सारे फीचर्स मिलेंगे। इस गाड़ी के अंदर लेदर का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। गाड़ी में फॉर्च्यूनर का ही 3 लीटर डीजल इंजन मिलता है जो बेहतरीन परफॉर्मेंस का वादा करता है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के मॉडिफिकेशंस बहुत ही कमाल के होते हैं, ऐसा ही कुछ ये मॉडिफिकेशंस देखकर लगता है। इसमें ओल्ड जनरेशन स्विफ्ट का इस्तेमाल किया गया है जिसको कन्वर्टेबल बनाने की कोशिश की गई है। पिछले वाले फॉर्च्यूनर के मॉडिफिकेशंस के जैसे ही इस स्विफ्ट के मॉडिफिकेशन को देखकर आप समझ ही नहीं पाओगे कि यह असल में कौन सी गाड़ी है। गाड़ी को वोक्सवैगन की सबसे लोकप्रिय कार वोक्सवैगन बेटल के समान दिखने के लिए मॉडिफाई किया गया है। गाड़ी के बॉडी पैनल्स मेटल शीट के बने हैं। गाड़ी के हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स ओरिजिनल है। साथ ही गाड़ी के ड्यूल एग्जॉस्ट पीछे से यूनिक लुक देते हैं। अंडर द हुड स्विफ्ट का ही इंजन है और बाकी सभी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मारुति सुजुकी स्विफ्ट के है, पर लुक बेटल के समान है। गाड़ी में पुश बटन स्टार्ट वाला फीचर ऐड किया गया है। साथ ही गाड़ी का रूफ ऑटोमेटिक है। इस गाड़ी को मॉडिफिकेशन करने के लिए 12 दिन का समय लगता है। साथ ही गाड़ी की मॉडिफिकेशन कॉस्ट लगभग 5 लाख रुपए है। ये मारुति 800 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इसको अल्टरनेटिव पार्ट से रिप्लेस कराकर बनाया गया है। यहाँ पर मारुति 800 को कन्वर्टेबल बनाने की कोशिश की गई है। इसको डिजाइन किया है जेएस डिजाइन ने। असल में ये गाड़ी का बॉडी किट है जो अलग अलग रंगों में अवेलेबल है। गाड़ी को नए हेडलैम्प्स लगाए गए हैं जो फिएट पेलियो के है, साथ ही रियर टेल लैम्प्स शेवरलेट के है। गाड़ी का बोनेट उल्टा ओपन होता है। एक्सटीरियर के जैसे ही गाड़ी के इंटीरियर में भी बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं। गाड़ी का डैशबोर्ड बेसिक ही है, पर डैशबोर्ड पर एसी वेंट्स है जो निसान टेरेनो के है। साथ ही गाड़ी में लार्ज इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलती है जैसे कि आजकल के गाड़ियों में मिलती है। पर गाड़ी के सेकंड रो को हटाया गया है जिसकी वजह से ये गाड़ी अब सिर्फ 2 सीटर गाड़ी बन गई है। गाड़ी का टॉप कैनवास से बना है जिसे मैन्युअली ओपन किया जाता है। साथ ही गाड़ी का हर एक पार्ट किसी न किसी गाड़ी से अल्टरनेट कराकर बनाया है और जो कुछ पार्ट्स नहीं बदले हैं वो ओरिजिनल मारुति 800 के है। इस मॉडिफिकेशन की प्राइस 4 लाख रुपीज़ है और इसको मॉडिफाई करने के लिए 3 महीने लगते हैं। अभी तक हम सब ने कई प्रकार के मॉडिफिकेशंस देखे हैं, पर ये मॉडिफिकेशन असल में एक अलग लेवल का मॉडिफिकेशन है जिसमें फैट प्रीमियर 118 एनी को 10-12 करोड़ के रोल्स रॉयस फैंटम में कन्वर्ट किया गया है। हम ये तो नहीं कह सकते कि ये एक मॉडिफाइड प्रीमियर रोल्स रॉयस की जैसे ही दिखती है, पर सामने से दिखने पर यह गाड़ी कुछ हद तक रोल्स रॉयस फैंटम की याद दिलाती है। प्रीमियर के डायमेंशंस को बदलकर गाड़ी को लंबा और चौड़ा बनाया गया है। सामने से देखा जाए तो गाड़ी में प्रीमियर का ट्रेडिशनल लोगो का यूज हुआ है। वही ग्रिल मिलता है जो प्रीमियर में मिलता है। गाड़ी के हेडलैम्प्स एग्जैक्टली रोल्स रॉयस के जैसे तो नहीं दिखते, पर कुछ हद तक ये हेडलैम्प्स फैंटम के जैसे ही दिखाई देते हैं और यही इस गाड़ी का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। बाकी साइड की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल पहिए लगे हैं जो मल्टी स्पोक अलॉयज है। पीछे की तरफ स्कोडा ऑक्टाविया के टेल लैम्प्स का यूज हुआ है जिसकी वजह से ये गाड़ी आगे से रोल्स रॉयस, बीच में फियाट
और पीछे स्कोडा की याद दिलाती है। वाकई में एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। गाड़ी के अंदर स्टेयरिंग व्हील को बदला गया है, साथ ही डैशबोर्ड को भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, पर गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस प्रीमियर के ही है। गाड़ी में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन लगा है। इस गाड़ी को राजस्थान में मॉडिफाई किया गया है। अभी तक जो आपने मॉडिफिकेशंस देखे वो मॉडिफिकेशंस वैसे तो नॉर्मल लेवल के थे, पर अब जो आप मॉडिफिकेशंस देखने वाले हैं बहुत ही यूनिक मॉडिफिकेशन है। ऐसा एग्जैक्टली मॉडिफाई करना आसान नहीं है। ये लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर जैसे दिखने वाली गाड़ी असल में होंडा एकॉर्ड है। आप माने या फिर ना माने, पर आप जो अभी गाड़ी देख रहे हैं वो वास्तव में 2007 की होंडा V6 सेडन है, जिसे लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर के जैसे दिखने के लिए मॉडिफाई किया गया है। अगर सेम लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर को इस गाड़ी के सामने खड़ा कर दिया जाए तो कोई भी पहचान ही नहीं पाएगा कि इसमें से मॉडिफाइड एकॉर्ड कौन सी है। इसे मॉडिफाई किया है मुंबई के एग्जीक्यूटिव मोड ट्रेंड्स ने। अगर सामने से इस गाड़ी को देखा जाए तो गाड़ी में 2007 होंडा एकॉर्ड में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। सामने की तरफ एवेंटाडोर की तरह दिखने के लिए हेडलैम्प्स, बम्पर्स और बोनेट में बहुत सा मॉडिफिकेशन नजर आता है। साथ ही इस गाड़ी को लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर के जैसे ही दरवाजे लगाए गए हैं। गाड़ी का रियर एग्जस्ट सिस्टम लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर के जैसे ही है। बहुत सारे कार मॉडिफायर्स सिर्फ एक्सटीरियर डिजाइन पर ही ध्यान देते हैं। एग्जीक्यूटिव मोटर ट्रेंड्स एक्सटीरियर के साथ इंटीरियर भी मॉडिफाई करता है। गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही इंप्रेसिव है। इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये कोई एरोप्लेन का कॉकपिट है। सेंटर कंसोल पर फायर जेट इंस्पायर्ड इंजन स्टार्ट ऑफ बटन देखने मिल जाता है। उन्होंने ट्रेडिशनल डायल टाइप यूनिट को डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बदल दिया है। सुपरकार जैसा साउंड प्रोड्यूस करने के लिए गाड़ी के एग्जस्ट सिस्टम को विशिष्ट तरह से ट्यून किया गया है। एक्सटीरियर और इंटीरियर के अलावा गाड़ी में कोई भी मैकेनिकल चेंजेस नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, इनमें से आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही इस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।